नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और स्वागत है आपका प्लस साइज क्लॉथिंग विद अनुराधा चैनल पर। आज मेरा वीडियो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आया है। क्या करें, दिल्ली में इतनी सर्दी है कि और मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा लेट आया है। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं सारी आपकी डिमांड्स को पूरी कर सकूँ। तो आइए अब बात करते हैं कि आज का वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जैसा आपको पता है, खाली विंटर्स में हमें स्वेटर ही नहीं चाहिए होते, हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे कि हम अपने विंटर्स को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। नहीं तो विंटर में हम आधे से ज़्यादा टाइम तो बीमार ही रहते हैं, क्योंकि हमारे पास फुल एसेसरीज नहीं होती और हम सोचते हैं खाली स्वेटर ही पहन लिया ठीक है। ऐसा नहीं है, आजकल की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं, स्पेशली दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी सारी जो गर्म पजामी है, वो कई तरह की आजकल गर्म पजामी चलती हैं, वुलन की चलती हैं, तो मैं आपको वूल की भी पजामी दिखाऊंगी। मैं आपको जो फैदर की पजामी होती हैं वो आजकल नई चली हैं लेटेस्ट इस साल में काफ़ी ज़्यादा ठंड के लिए, तो मैं आपको वो वाली भी फैदर वाली पजामी भी दिखाऊंगी जो काफ़ी गर्म होती है और काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। और साथ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारे स्टॉल, जो वुलन स्टॉल हैं जो आप काफ़ी अच्छे से अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको लगेंगे। साथ में मैं आपको सॉक्स भी दिखाऊंगी, फैदर की भी सॉक्स दिखाऊंगी आपको और फर की भी सॉक्स दिखाऊंगी जो काफ़ी अच्छी रहती है विंटर्स के लिए। एज वेल एज आपको काफ़ी सारी और एक्स्ट्रा आइटम्स मिलेंगी, जैसे उसमें कैप्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें होंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए, आखिर तक देखिएगा, बहुत यूज़फुल वीडियो है, काफ़ी काम की चीज़ें हैं आपके लिए, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आता है तो लाइक जरूर। परचेज़ है वो मैंने सभी साइट से की है, ज़्यादातर सामान मीशो से है, कुछ अमेज़न से है, कुछ फ्लिपकार्ट से है, क्योंकि सभी तरह की वैरायटी सभी पर नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैंने सभी साइट से कुछ ना कुछ लिया है जो हमारे प्लस साइज़ के लिए हमें बेटर भी लगता है, साथ में हमारी पॉकेट को भी अलाउ करता है और चीज़ की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए। तो आइए मैं आपकी शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हमारी जो आजकल चल रही है ना फ्लीस की पजामी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अमेज़न से मैंने जो पजामी ली है फ्लीस की, जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये मैंने ली है 3XL में। ये देखिए, इसमें 3XL को उसमें लिखा है कि आराम से आ जाएगी। ये इसका पहले आप लुक देखिए, बाहर से देखने में ये बिल्कुल आपको ऐसी लगती है कि मतलब रफ शाइनिंग है, इसमें शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लगती है आपको। और नीचे से ये आपकी बंद है कि आपके फुल पैर आ जाएंगे इसमें, मतलब आपको पूरे, आपको अलग से सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरी उसमें कवर है। और अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है आपकी अंदर से, ये देखिए, ये अंदर सारी इसमें, ये देखिए, पूरी आपकी फ्लीस लगी हुई है। फ्लीस मतलब आप सोचेंगे क्या होता है, जो नहीं जानते हैं, फ्लीस होता है जो हमारे बहुत ही सॉफ्ट वाले ब्लैंकेट होते हैं उसमें जो लगा रहता है, जिससे हमें काफ़ी गर्माहट मिलती है, ये वो चीज़ होती है। देखिए आप, मैंने इसको उल्टा कर दिया है पजामी का एक साइड, ये देखिए, और ये है इसकी सीधी साइड, ये देखिए सीधी साइड और ये है उल्टी साइड। तो जब आप पहनेंगे अंदर तो आपको काफ़ी गर्माहट रहेगी, तो जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी काफ़ी सर्दी होती है तो आपको उसको में एहसास नहीं होगा। बेसिकली मैंने अपनी जैसे कि कई बार होता है विंटर में हम लोग ड्रेसेस कैरी करते हैं तो, या फिर हम कुर्ती कैरी करते हैं तो उसके नीचे डालने के लिए, या फिर आपके घर में अगर टीनेज गर्ल हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी आइटम है, आप इसको कैरी कर सकते हैं, वो अपनी ड्रेसेस पे कैरी कर सकती हैं, स्कूल हैं स्कर्ट पे कैरी कर सकती हैं, तो बहुत ही अच्छी रहेगा। प्राइस जैसे मैंने कहा कि ये अमेज़न से है, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपको दूसरी आइटम दिखाती हूँ। ये है मीशो से, मीशो में सेम मैंने यही लिया था पजामी फनल की फ्लीस की, मैंने ये देखने के लिए, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम था मीशो पे और अमेज़न का प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, कि देखने के लिए क्या फ़र्क है। तो ये थोड़ा सा लाइट वेट है, उसमें थोड़ी सी जो अमेज़न की है उसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी हाई है, ये भी अच्छी है लेकिन उतनी गर्माहट नहीं देगी जितनी वो देगी। तो देखिए, ये देखिए अंदर से ये भी फ्लीस है,
बट क्वालिटी थोड़ी हल्की है, ये नहीं है खराब है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर आपके बजट अलग ये अलाउ करता है तो। लेकिन हाँ इतना है कि ये उतनी गर्म नहीं होगी जितनी आपकी वो गर्म है। ये देखिए ये भी पूरी वैसे ही है, नीचे से लॉक है, आपको अलग से सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नीचे का बंद नहीं चाहिए तो रियली बताऊँ आप कैंची से कट कर दीजिए और उसको आप टेलर के पास जाके 10 रुपये लगेंगे इंटरलॉक करा लीजिए ब्लैक धागे से, तो आपका वो एरिया जो है सॉक्स वाला हट जाएगा इसे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका प्रोडक्ट कोड और प्राइस आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट दिखा रही हूँ ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली है, ये है ग्रे कलर की, ये फ्लीस की नहीं है, ये वूल की पजामी है। वूल कहेंगे कि पूरी जो ऊन होती है वो वाली नहीं, आजकल वूल में आता है कि काफ़ी गर्म होती है लेकिन सॉफ्ट होती है। ये देखिए ये पीछे से इलास्टिक है, इसमें आगे से इसका जैगिंग टाइप का कुछ लुक आता है, लेकिन पजामी अच्छी है काफ़ी है। ये देखिए ये पूरी आपकी ग्रे कलर की वूल की है, ये आप थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी है। आप इसको चाहें तो एज ए ट्राउज़र कैरी कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। हाई नेक स्वेटर डाल लीजिए और या फिर कोट डाल लीजिए, आप कोई भी प्लॉवर डाल लीजिए, बहुत अच्छा स्मार्ट लुक आएगा। ग्रे कलर है वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, मैंने एक्चुअली वेराइटी देखने के लिए जगह जगह की साइट से ली थी क्योंकि प्लस साइज में बहुत ही कम मिलते हैं। ये भी मैंने 3XL में ली है, काफ़ी अच्छी है ये भी। इसका भी प्राइस आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा है तो आप वहाँ से जाके कैरी कर सकते हैं। दिखाती हूँ ये मैंने, ये भी बुलन में है ब्लैक कलर के लिए, ये बेसिकली मैंने अपनी बेटी के लिए ली है, वो स्कूल जाती है और स्कर्ट के नीचे ब्लैक कलर की पजामी पहननी पड़ती है, तो ये वूल में है। अभी मैंने फ्लीस में इसको नहीं पहनाई है क्योंकि अभी इतनी छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, तो शुरू में जाती थी इसे नवंबर दिसंबर में, तो मैंने इसको वूल की पजामी दी थी। ये है ब्रांड, मुझे याद है मैंने सबसे पहले लिया था ये, मैं एक महीना इसको यूज़ कर चुकी हूँ, वॉश कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ इसका। ये है लायरा ब्रांड की वूल की है और ये बहुत अच्छी निकली है, अंदर से देखिए बहुत अच्छी है। इसको एक महीना हो चुका है पूरा यूज़ करते हुए और इसमें इसको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी वार्म रहती है, ये काफ़ी अच्छी है। बट ये आपको जनवरी की हार्ड सर्दी में नहीं काम आएगी, उसमें ये जो फ्लीस की मैंने आपको पजामी दिखाई थी वो काम आएंगी, तो इसीलिए ये भी बहुत अच्छी है। इसको ब्लैक कलर की वूल में चाहिए, फ्लीस नहीं पहन सकते क्योंकि वो स्किन टाइट हो जाती है, तो आप ये कैरी कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगी बड़े लोगों के लिए कैरी कीजिए, डबल एक्सल साइज लीजिए, 3XL वाले आराम से, डबल एक्सल साइज का 3XL को आराम से आएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको पजामी दिखाऊंगी, ये मैंने ली है फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट इसका जो ब्रांड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, तो ब्रांड एंड लिंक विद प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी। देखिए इसमें पॉकेट्स भी हैं दोनों तरफ, ये मैंने कॉफ़ी कलर की मंगाई थी और जैसे आप देख रहे हैं ऊपर की इलास्टिक भी काफ़ी चौड़ी और अच्छी है। और ये है इसकी, ये देखिए पजामी इसका, ये थोड़ी सी मुझे इतनी गर्म नहीं लगी है, ये थोड़ी सी मुझे कॉटन टाइप लगी है, कॉटन में थोड़ा सा हार्डनेस है, अच्छी कपड़ा है, बट उसमें वूल लिखा था कि ये गर्म है विंटर की, बट मुझे ये वूल नहीं लग रही अकॉर्डिंग टू जो मैंने और दिखाई हैं। बट हाँ इसकी जो कॉटन है वो काफ़ी अच्छी हैवी कॉटन है, तो ठीक है अगर आप इस टाइप की देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये भी इसका जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बस ये अगर आप देखते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आपको 3XL में भी मिल जाएगी, 4XL में मिल जाएगी, 2XL में मिल जाएगी, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी अगर आपका साइज़ 3XL है तो आप 2XL लीजिए, अगर आपका साइज़ 4XL है तो आप 3XL लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल बहुत ज़्यादा होती हैं, ये देखिए। तो फिर अगर आप 3XL ही लेंगे तो आपकी वेस्ट लाइन पर वो बहुत ढीली हो जाएंगी। बहुत दिखाती हूँ सॉक्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फ्लीस वाली सॉक्स का सेट है ये, एक ब्लू आई है इसमें और एक ये रानी कलर आया। बेसिकली उसमें वो कलर मीशो में कई बार आप सेलेक्ट कुछ करते हो, कई बार कुछ और दे देते हैं, मैंने एक्चुअली सेलेक्ट कुछ और किए थे कलर, बट हाँ ये है कि क्वालिटी ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ पिंक कलर की, ये किस टाइप की सॉक्स है, ये है आपकी इतनी सॉक्स कि आप जैसे कोई सैंडल डालते हैं या कुछ पहनते हैं तो नॉर्मल है, और ये ऊपर से आपको बिल्कुल सॉफ्ट, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि जो फ्लीस की होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, ऊपर से ये आपको इस टाइप से प्लेन दिखाई देगी और अंदर इसकी ये देखिए ये फ्लीस है, ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और गर्म होता है। जैसे मैंने बोला कि फ्लीस मतलब जो ब्लैंकेट टाइप का कपड़ा होता है,
ये देखिए ये वो है। तो अगर आप इसको भी पहनते हैं तो बहुत अच्छी रहेंगी, काफ़ी गर्म रहती हैं ये भी और काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। प्राइस एंड कोड स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी है ये भी। ये चार के सेट में मैंने ली है और आपको फ़ायदा भी वही रहेगा कि अगर आप तीन चार का जो सेट होता है उसमें ले, क्योंकि उसमें कॉस्ट वाइज सही पड़ती है। मार्केट से अगर आप ये लेते हैं थोड़ी सी महंगी है। और एक मैंने और मंगाई थी, उसमें रियली सुपर हाई टू हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी मीशो से, ये है ये फर की, जो फर जो बहुत ज़्यादा टॉवल रुए वाले होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट वाले जो फर की होती हैं, ये वो वाली सॉक्स हैं। ये देखिए, ये मैंने छः का सेट मंगाया था और ऑलरेडी दो मेरी यूज़ हो भी गई हैं। इतनी अच्छी थी कि बेटी ने दोनों निकाली, मैं आपको वॉश करी हुई भी दिखा रही हूँ अभी। एक ये देखिए, इसमें तीन कलर ये आए हैं और इसमें ये है आपका, ये देखिए बहुत ही अच्छी, हाईली रिकमेंड करूँगी इसको। मेरे को एक सेट और मंगाना है, एक सेट में छः आई हैं और मैं चाहूँगी कि आप और लें। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी है। और ये देखने अगर मैं, अगर आपको छोटी लग रही है तो छोटी बिल्कुल नहीं है, मेरे को आराम से आएंगी ये बच्चे को भी आ जाएंगी, बड़े को भी आ जाएंगी। स्ट्रेचेबल हैं और बहुत ही बेबी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और फर की है ये फ्लीस नहीं है, फर है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट कोजी कोजी सी रहती हैं। तो डेफिनेटली इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, आई कैचिंग कलर हैं इसके। कुछ मैं आपको सारे कलर दिखाती हूँ, एक हीरा और बाकी आप ये देखिए, एक ये पिंक ब्लू में है, एक ग्रे एंड वाइट में है और एक आपका ये कलर है। और दो कलर और हैं, एक मेरी एक्चुअली वॉशिंग में गई हुई है तो वो बिल्कुल अभी गीली है, वो भी वाइट एंड ग्रे कलर में है। और एक ये है, ये देखिए, ये मेरी यूज्ड हो चुकी है, ये मेरी बेटी ने पहनी थी, यूज़ हो गई है और बहुत ही अच्छी है। मतलब उसने, उसका मन करता है, मैंने बहुत मुश्किल से रोके हैं, वो चाह रही थी सारे निकाल लूँ, तो मैंने कहा नहीं, एक बार मैं अपना हॉल तो कर लूँ उसके बाद निकाल लेना। बहुत ही अच्छी निकली है ये, मैंने वॉश करके ऑलरेडी सुखा के आपको दिखा रही हूँ। तो डेफिनेटली हाई टू हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर लें, इसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी और बच्चों को पहन के बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि जैसे उन्होंने कोई मखमल पे अपने पैर रख दिए हों, वो बहुत ही अच्छा है। ये मीशो का मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, तो डेफिनेटली यू कैन बाय इट। एक पैक में सिक्स हैं, तो अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर है तो आप दो पैक कर दीजिए, बहुत ही अच्छा। आपको दिखाने वाली हूँ कुछ कैप्स। विंटर पे हमारे लिए सॉक्स भी बहुत ज़रूरी हैं, पजामियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि हम अपने आप को ठंड से बचा के रखें, और हमारे लिए कैप भी बहुत ज़रूरी है। कैप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी आपको, जो मैं आपको कैप दिखाने जा रही हूँ, ये कैप मैंने आपको पहले, मैंने एक हॉल बनाया हुआ है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने विंटर्स की काफ़ी सारी कैप्स दिखाई थी। तो उसमें आपको मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप कैप जो भी लें ऑफलाइन लें, ऑफलाइन आपको जो ऑनलाइन आपको 150 रुपये की कैप मिलती है, ऑफलाइन आपको 50 से 60 रुपये में आराम से मिल जाती है। मैं आपको थोड़ी सी अलग अलग वैरायटी दिखा रही हूँ कैप्स की, आपको जो अच्छी लगे लीजिए। ये मैंने देखिए लास्ट ईयर ली थी, आपको मैंने इसका हॉल भी किया था, ऑफलाइन ली थी और अंदर से पूरी फ्लीस है, ये देखिए पूरी फर और फ्लीस है, ये देखिए। आप इसको पहनते हैं ना तो आप बहुत ठंडी में भी आपको ऐसा लगता है कि एकदम सिर आपका गर्म हो जाता है, बहुत ही अच्छी फ्लीस की है। और आपको ऑनलाइन ये 150 से 225 रुपये की मिलेगी, बट ऑफलाइन ये सिर्फ मुझे 50 रुपये की मिली थी, इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखा रही हूँ जो मैंने ऑफलाइन ली हैं। एक ही आजकल इस टाइप की कैप बहुत चलती है, आप देखिए ऑफलाइन जो आप लेंगे ये इस तो ये आपको 50 रुपये की मिल जाएगी, बट ऑनलाइन में ये भी आपको 125 से 150 रुपये तक की मिलती है। एक ही कैप है, अगर आप इस टाइप की लेना चाहें, ये भी 50 रुपीज़ की मिलती है यहाँ पर, और ये बहुत ही ट्रेंडी कैप है, ये ओनली 50 रुपीज़ की। आप कहेंगे सारी 50 की, येस, ज़्यादातर कैप्स 50 रुपीज़ की हैं, ये 50 की मिली थी और इतनी स्टाइलिश है ना ये, देखिए इसको वेस्टर्न ड्रेस पर लगाइए, बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए सिंपल प्लेन कैप है, ये भी प्योर वूल की है, 50 रुपीज़। और ये एक लिया है मैंने मंकी कैप, सॉरी मैं मंकी कैप लगाती हूँ क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो मुझसे टॉलरेट नहीं होता, मैं लगाती हूँ। तो अगर किसी को मंकी कैप चाहिए तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी। ये थोड़ी महंगी आई थी मेरी, ऑफलाइन ही ली थी अभी मैंने, ये आई थी 125 के आसपास, क्योंकि बट इसका जो काफ़ी सॉफ्ट है। तो अगर आप ये कैप्स कुछ लेते हैं, डेफिनेटली आप ऑनलाइन मत लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि उसमें हार्डनेस का हमें पता नहीं चलता कि कब वूल कितनी सॉफ्ट है कितनी नहीं, और वूल हमेशा सॉफ्ट। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ स्टॉल्स।
इसमें से भी कुछ मेरी ऑफलाइन परचेज ज़्यादा है, ऑनलाइन मेरी एक दो चीज़ें हैं बट ऑफलाइन ज़्यादा है। ऑफलाइन क्यों ज़्यादा है उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ स्टॉल, नॉट अ शॉल, स्टॉल। ये देखिए, जैसे ये है एक येलो कलर का स्टॉल, ये वूल में है, मतलब विंटर के हिसाब से है, प्लेन है। ये देखिए, मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ साइज में। ये देखिए, ये प्लेन है, बट इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप कोई भी वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं या आप एथनिक वियर पहनते हैं प्लेन स्टॉल लेने से, तो आप उसको अगर वेस्टर्न पहनते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह से बैंड करके, लाइक आप इस टाइप से भी बैंड करके आराम से इसको स्टाइल कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बहुत सारे स्टाइलिंग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी आप वुलन कुर्ती पहनते हैं, कोई भी कुर्ती पहनते हैं, आप उस पर साइड में डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप कानों पे भी लपेटते हैं तो आपको बहुत ही ओल्डर लुक नहीं देता, बहुत ही यंगर लुक देता है, तो इसीलिए। और ये सिर्फ कॉस्ट करी है मुझे 100 रुपीज़। मैंने 100 रुपीज़ में अपने घर के जो शॉप है उनके आसपास आप लेते हैं तो प्लेन ऐसे स्टॉल आपको 100 रुपीज़ में आराम से मिल जाएंगे। एक ये मैंने लिया है, ये पिंक कलर का, पिंक और ये ब्लैकिश में है। इसको मेरे को खरीदे हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। ये भी सब मेरे 100 रुपीज़ के हैं, लेकिन किसी भी आपको कोई भी आप सूट डाल रहे हैं, आप कोई भी आप जीन्स डाल रहे हैं, स्कर्ट डाल रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा स्टाइलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये भी स्टॉल है, एक मैंने ये ले रखा है, ये देखिए ग्रीन। आप ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लेके रखते हैं तो विंटर में भी आप अपने आप को काफ़ी अच्छे स्टाइलिश रख सकते हैं। ये देखिए, एक ये है स्टॉल मेरा 100 रुपीज़। एक ये जो मैंने पहन रखा है, मैंने इसके मैचिंग के ले रखा है एक, ये देखिए कॉफ़ी कलर का, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा कम जा रहा है बट मैंने ऐसे ही ले लिया था, तो बट ये कॉफ़ी कलर का जब नॉर्मल देखते हैं तो अच्छा लगता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, ग्रेसफुल लगता है, तो ये भी 100 रुपीज़। किसी पे भी आप डाल सकते हैं, इवन आप साड़ी पहनते हैं तो आप साड़ी पे भी डाल सकते हैं। साड़ी पे ना अगर आप नॉर्मल जैसे डालते हैं वैसे ना डाल के आप थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल करके डालते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। एक है ये मेरा प्योर सिल्क का स्टॉल, ये मैंने, आपने ब्रांड सुना होगा सत्यपाल, ये मैंने वहाँ से लिया था, ये प्योर सिल्क है, ये वहाँ से लिया था। इसको मैं ज़्यादातर पार्टी वार्टी में पहन के जाती हूँ, अगर कहीं विंटर में जाना होता है तो। इसमें सभी तरह के कलर्स हैं, ये हर एक तरह की साड़ी सूट हर एक पे चल जाता है, ये बहुत प्यारा लगता है, प्योर सिल्क है, इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग है। ये मैंने मीशो से लिया था लास्ट ईयर, ये है शॉल। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें भी सभी तरह के कलर हैं, बेस है इसका ब्लैक कलर, जिस पे चाहे आप उस पे इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो इस मैंने जो हॉल बनाया है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट कोड एंड बाकी और भी सारी चीज़ें, तो आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। ये मीशो से लिया था मैंने, और ये भी मैंने, ये मैंने लिया था, ये है एक ऑफ वाइट कलर का, पूरा ये शॉल है, स्टॉल नहीं है। ये देखिए, इस पे नीचे कुछ इस टाइप से मोर ओवर बने हुए हैं, इस पर काफ़ी अच्छा इसका लुक है, काफ़ी बड़ा शॉल है ये, स्टॉल नहीं है। ये देखिए काफ़ी बड़ा शॉल है, तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप के कलर्स होते हैं और आपके पास होने भी चाहिए कुछ ब्लैक में, वाइट में, रेड में, और कुछ अगर आप स्टॉल लेते हैं तो उनको आप स्टाइल कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, नॉट आ एक दो साल, जी नहीं, आप उनको दसियों साल स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होती, आपके लिए काफ़ी ये अच्छी गुड मेमोरीज होती हैं, आप उनको अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, आपके लिए आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।